तो अभी मेरे सामने जो माइक्रोफोन है ये माओनो का 461TR और एक USB माइक्रोफोन है। अभी आप लोग जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो वो डायरेक्टली इस माइक्रोफोन के थ्रू आ रही है और ये एक बहुत ही ज्यादा बजट माइक्रोफोन है। अगर मैं आपको प्राइस के बारे में स्टार्टिंग में बताऊं, ये सिर्फ 2000 रुपीज का आपको मिल जाता है और ये साथ ही साथ आपके स्मार्टफोन से भी कनेक्ट होता है। अगर मैं बात करूं अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो एक स्मार्टफोन के थ्रू हो रही है। मैंने सिंपल सा माइक को कनेक्ट करना है अपने स्मार्टफोन के साथ। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो ऐसे नॉर्मली स्मार्टफोन से ही अपने, तो आप कनेक्ट कर सकते हो इस माइक्रोफोन को, या फिर गेमिंग वेमिंग हर तरीके से आप इस माइक्रोफोन को यूज कर सकते हो अगर आप स्टिल रह के वीडियो शूट करते हो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले, इस माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसका रिव्यू करने वाले हैं, इसका कंपैरिजन करने वाले हैं ब्लू यैटी माइक्रोफोन के साथ और रोड के माइक्रोफोन्स के साथ, और फोर्थ एंड लास्ट चीज हम लोग इसका गिव अवे करने वाले हैं। तो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो गिव अवे में, रिव्यू देखना चाहते हो, इसका अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो, कंपैरिजन देखना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे मैंने इसको थोड़ा सा अनबॉक्स कर लिया था हल्का सा टेस्ट करने के लिए। तो ऐसा कुछ इसका बॉक्स आता है, बॉक्स में जो इसका प्राइस दिखा हुआ आता है वो आता है 3,299 रुपीज। साथ ही साथ इसका मॉडल अगर मैं आपको एक्जैक्टली बताऊं वो है PM Maono PM 461TR। तो मैं इसके बॉक्स को अनबॉक्स करता हूँ, इसको साइड रखते हैं फिलहाल। इसके अंदर मैनुअल भी होगी, ठीक है, मैनुअल कहाँ है, ये यूज़र मैनुअल है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर माइक्रोफोन आता है, तो ऐसा कुछ इसके अंदर आपको ब्लैक कलर का माइक्रोफोन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक नॉब मिलती है जिससे आप गेन कम या बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग आएंगे अभी। इसको मैं साइड रखता हूँ फिलहाल के लिए। इसके अलावा ये केबल मिलती है और ये एक स्टैंड मिलता है, और लास्ट चीज़ अपना ये माइक्रोफोन होल्ड करने के लिए एक अटैचमेंट। तो सबसे पहले हमको अपने को यहाँ पे चार चीज़ें मिलती है। अब हम लोग इसको सेटअप करते हैं, कैसे आपको इसको सेटअप करना है। स्टैंड को आपको कनेक्ट करना है इसके यहाँ पर से। अब ये हमारा जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन को हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ, अटैचमेंट जो है इसके साथ। तो ऐसा कुछ हमारा इसका सेटअप बन जाता है, एक बार सेट कर दे उसके बाद नेक्स्ट चीज़ बस हमें केबल ये लगानी है और हम इसको कनेक्ट करते हैं अभी अपने स्मार्टफोन के साथ। ये विंडोज के साथ तो काम करते हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा कैसे स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना भी उतना ही ईजी है जितना स्मार्टफोन के साथ। तो मेरे पास यहाँ पर स्मार्टफोन है, एक एंड्रॉइड फोन है। सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, केबल कनेक्ट करता हूँ। सिंपल सा कुछ सीन नहीं है, आपको एक छोटी सी चीज करनी होगी, छोटी सी चीज, आपको एक कनेक्टर खरीदना होगा ऐसा जो आपके स्मार्टफोन के लिए टाइप सी अगर है तो टाइप सी कनेक्ट हो जाए, ऐसा कुछ कनेक्टर ही। ये मैंने स्मार्टफोन पे कनेक्ट कर दिया और मैं केबल अब इसमें माइक पे कनेक्ट करता हूँ। और कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत है नहीं, वैसे आपको मेरे को पर्टिकुलरली नहीं पड़ी जब मैंने इसको यूज किया। अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ वो है रोड का माइक, उसको कंपेयर भी करेंगे इसके साथ। और सबसे बेहतरीन माइक है जो USB माइक में जो सबसे टॉप में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ब्लू येटी, हम उसके साथ भी इसको कंपेयर करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर दिया सिंपल सा। इस स्मार्टफोन में जैसे मैं रिकॉर्डर खोलूँगा, रिकॉर्डर खोला मैंने, तो एक्सटर्नल माइक विल बी यूज टू रिकॉर्ड ऑडियो। तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, इतना मतलब प्लग एंड प्ले वाला सीन है, आपने सिर्फ प्लग किया और स्टार्ट। इन केस किसी के उसमें नहीं स्टार्ट होता ऐसे माइक, मतलब वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता, या तो वीडियो शूट करनी है किसी को, तो दो एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा। एक तो रैक फॉर्ड जाता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा ओपन कैमरा, इन दोनों को यूज करते हो। ओपन कैमरा तब यूज होगा अगर आप वीडियो अपने स्मार्टफोन से शूट करते हो, उस पर आपने डायरेक्ट कनेक्ट किया और आप डायरेक्ट वीडियो शूट करते करते उसी वीडियो के अंदर आपकी इसकी ऑडियो आ जाएगी। अब हम लोग इससे ऑडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। Maono PM 461TR के थ्रू हम लोग ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये USB माइक्रोफोन है। अभी मैं आपको स्पेशली इसके तीन टॉप फीचर्स बताया था जो मुझे खासकर बहुत पसंद है। सबसे पहली चीज़ कि इसके अंदर कार्डियोइड पोलर पैटर्न हमें मिलता है, वो एक ऐसा पोलर पैटर्न होता है, मैं एक इमेज लगा दूंगा आपके लिए समझाने के लिए। अब क्या होता है, अलग अलग माइक्रोफोन होते हैं, कुछ पीछे से रिकॉर्ड करते हैं और फ्रंट से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ब्लू यैटी की बात करो, उसमें बहुत सारे पोलर पैटर्न आते हैं। मेनली जो यूज़ करा जाता है वो यही पोलर पैटर्न यूज़ करा जाता है जो इसके अंदर आता है, हमें कार्डियोइड पोलर पैटर्न मिलता है। उसमें क्या होता है, फ्रंट से जितनी आवाज़ होगी वो रिकॉर्ड करी जाएगी और आसपास यहाँ पे मतलब फ्रंट के कुछ इतने डिग्री तक की आवाज़ रिकॉर्ड करी जाएगी और पीछे की सारी आवाज़ें ये रिड्यूस कर देगा। तो आपकी आवाज पे मेन फोकस होगा, जो अगर आप सामने से पॉडकास्ट कर रहे हो या फिर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ये बैकग्राउंड के लिए ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर अपना नॉर्मली गेमिंग कर रहे हो, या फिर ऐसे टेक वीडियोस बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो फ्रंट से जो आप ऑडियो रिकॉर्ड करोगे वही कैप्चर होंगी। अब दूसरी अगर मैं इसकी खास चीज की बात करूं तो वो हाई क्वालिटी ऑडियो। इसमें और ब्लू यैटी मुझे जो डिफरेंस नजर आया अभी आपको दिखाऊंगा, अभी वो डिफरेंस ये है कि क्वालिटी में ऑडियो क्वालिटी जो सुनते हैं फाइनल आउटपुट आता है यूट्यूब वीडियो का, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता, मतलब 19-20 का डिफरेंस आता है स्पेशली बात करूं। लेकिन जो डिफरेंस आता है, एक कौन आता है जो फूक मारूंगा कुछ, मेरे मुझे फूक निकलेगी, हवा निकलेगी, तो वो ये जल्दी कैप्चर करता है। और इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये, आप इसके ऊपर एक वो लगा दो, विंडशील्ड आती है, जिससे क्या होगा, आपकी आवाज जो होगी, आपकी आवाज से जो हवा निकलेगी, बोलते बोलते हवा निकलती है, वो ये कैप्चर नहीं करेगा, वो रिड्यूस होगी बहुत हद तक और क्वालिटी आपको उसी लेवल की मिलेगी। और इसकी जो तीसरी सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी, टॉप 3 फीचर्स मैं बोलूंगा, टॉप 3rd नंबर की जो है वो स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग कैमरे से शूट नहीं करते, मैं फिलहाल कैमरे शूट कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने फोन से, आईफोन से, एंड्रॉइड फोन से उसे शूट करते हैं और ये उन पर कनेक्ट हो जाता है।
जाता है। बहुत ईजी प्लग एंड प्ले है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आपने सिंपल सा कनेक्ट करा। आपको एक अडेप्टर चाहिए, अडेप्टर का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, माइक्रोफोन का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। आपको सिर्फ कनेक्ट करना है, बस डेट सेट। आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आपको अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, डायरेक्टली हो जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं इसमें, इसमें क्या है, जो ये अपना माइक्रोफोन है ये फ्रंट की तरफ है। कई लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं कई लोग, उनको पता नहीं होता। स्पेशली इस माइक के लिए बता दूं मैं आपको, क्या होता है कि कई लोगों का ये ऊपर होता है माइक्रोफोन के, जो कैप्चर होता है, ऑडियो कैप्चर करता है वो ऊपर होता है, लेकिन इसका फ्रंट में। अब मैं अगर जैसे यहाँ से बोलूँगा तो आवाज़ बहुत क्लियर आएगी, अगर मैं यहाँ से बोलूँगा तो आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आएगी, अगर मैं पीछे से बोलूँगा तो आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आएगी। मतलब वो बात नहीं आएगी जो फ्रंट से आएगी, ये फ्रंट से ऑडियो कैप्चर करता है, आपकी साउंड फ्रंट से कैप्चर करेगा बजाय पीछे या ऊपर के। अब इसमें हम लोग एक नेक्स्ट चीज़ चेक करते हैं, वो है इसका गेन नॉब। इसमें अपने को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक गेन नॉब मिलता है, बहुत क्लीन लुक लगता है इसका देखने में। सिर्फ फ्रंट की तरफ आपको, अपनी तरफ जिस तरफ से आप बात करोगे उस तरफ आपको गेन नॉब मिलेगा। आप कंट्रोल कर सकते हो कितनी ऑडियो मतलब रिकॉर्ड होनी चाहिए, कितनी लेवल की ऑडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए, कितने डेसिबल्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए। अभी मैं इसके 50% पे, अभी मैं इसको सबसे कम करके देखता हूँ, वापस बढ़ाता हूँ, 25% पे कर दिया मैंने इसे, अभी मैंने इसे 50% पे कर दिया, अभी मैंने इसे 75% पे कर दिया, और अभी मैंने इसे 100% पे कर दिया है। तो वापस से मैं इसे फिलहाल 50% पे कर देता हूँ कि मैंने इसे 50% पे कर दिया। तो ये इतना ईजी है, बस आपको प्लग एंड प्ले एंड नॉब मिलती है माइक के लिए कि कंट्रोल करने के लिए ऑडियो, सिंपल सा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ इसको कंपेयर करते हैं। फिलहाल आप लोग जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो ये आ रही है इस माइक्रोफोन के थ्रू। अभी हम लोग स्विच करते हैं मेरे रोड माइक्रोफोन में। ये रोड का एक 20,000 रुपीज़ का माइक है, 20,000 रुपीज़ प्लस 4,000 या 5,000 रुपीज़ का। इसके साथ मैंने लैब माइक भी लगा रखा है। माइक कौन सा है, माइक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना है रोड वायरलेस गो टू, ये माइक्रोफोन। तो अभी आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हो इससे आ रही है, और अब आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हो वो रोड वायरलेस गो टू से आ रही है, 3,000 इतने रुपीज़ के माइक में, और एक 30,000 रुपीज़ के माइक सेटअप में, 25,000 रुपीज़ के माइक सेटअप में। ये प्राइस, ये क्वालिटी का डिफरेंस है। अभी हम लोग इसका नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं ब्लू येटी के साथ, जो इसके कैटेगरी में टॉप का माइक माना जाता है। तो अभी अपने पास दोनों माइक्रोफोन है, यहाँ पर हमारा 10,000 11,000-12,000 का माइक्रोफोन आता है, और यहाँ पर हमारा 3,000 का माइक्रोफोन आता है। क्वालिटी का कंपैरिजन करूंगा और आप लोग आंसर देना आपको कैसा लगा, कौन सा माइक्रोफोन का क्वालिटी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना। तो अभी आप लोग जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो ये आ रही है ब्लू येटी के थ्रू, और ये इसका सेम पोलर पैटर्न है जो इसके अंदर, हमें मल्टीपल पोलर पैटर्न मिलते हैं, 4 या 5 पोलर पैटर्न मिलते हैं। गेन नॉब मिलता है जो इसमें मिलती है हमें, पोलर पैटर्न इसके अंदर मल्टीपल मिलते हैं, इसके अंदर सिंगल पोलर पैटर्न मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पोलर पैटर्न है वो इसके अंदर हमें मिलता है। अभी हम लोग स्विच करते हैं इसके ऊपर। अभी आप लोग जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो ये सुन रहे हो हमारा माओनो के माइक के थ्रू, जो एक सिंगल पोलर पैटर्न के साथ आता है, और गेन नॉब आती है इसमें। गेन मैंने 50% कर रखा है, इसमें मैंने 25% गेन कर रखा है। ये इसके ऑडियो क्वालिटी का डिफरेंस है। ये हमारे स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड है, और ये हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। इससे भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कई बार कि आपने किस चीज़ के साथ कनेक्ट कर रखा है। बाकी एक और बार बताया तो आपको, ये ब्लू येटी की क्वालिटी है, और ये हमारे माओनो 461TR की क्वालिटी है। दोनों के लिंक वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिसाइड करो कि किसकी ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है प्राइस के कंपैरिजन में। प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर गैप है 3-4 गुना, 3-4 गुना का डिफरेंस है, इसको मत भूलना। और क्वालिटी का डिफरेंस आप लोग देख सकते हो। तो गाइज ये था हमारा कंपैरिजन, ये था हमारा रिव्यू। अब आते हैं हमारी थर्ड चीज़, लास्ट चीज़ आती है हमारी, वो है इसका गिव अवे। बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसका गिव अवे करने के लिए। बहुत टाइम चैनल पे कोई गिव अवे हुआ नहीं है, तो इसका फाइनली हम लोग गिव अवे करने वाले। गिव अवे के सिंपल से 3 रूल हैं जो आपको फॉलो करना है अगर आपको पार्टिसिपेट करना है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो है वो है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर जाके क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। दूसरा जो है वो है, आपको नीचे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इंस्टाग्राम का लिंक, aksh.verma नाम से मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको जाना है। मैंने एक पोस्ट डाला है, पोस्ट को आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कमेंट करना है। वहां पर आपको जाके कमेंट में आपको जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। इसकी फोटो डाली होगी मैंने इंस्टाग्राम पे, आपको उस फोटो पे कमेंट करना है, गिव अवे की फोटो है। वहीं से मैं विनर पिक करूंगा, जो भी लकी विनर होगा रैंडम पिकर से उसको ये माइक मिलेगा। और आपको थर्ड चीज जो करनी है वो सिंपल सी करनी है, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। फिर से बता दूं, फर्स्ट सब्सक्राइब इस चैनल को, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। सेकंड चीज, आपको इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट करना है इस फोटो का, इसकी फोटो डाली होगी वहां पे कमेंट करना है आपको, वहीं से मैं पिक करूंगा विनर को। और थर्ड चीज, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है, सिंपल सा, और आप गेम में पार्टिसिपेट कर लोगे। 1 हफ्ते बाद इस गेम का अनाउंसमेंट करेंगे हम लोग, रिजल्ट का अनाउंसमेंट करेंगे कौन रिजल्ट जीता है। तो एक आज से, इस वीडियो जब से वीडियो डाली है उसके ठीक 1 वीक बाद आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गेम में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे आपको। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।